अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट, यानी कि वन डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है? जीरो, और लार्जेस्ट डिजिट नाइन। एंड टू डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होती है? टेन, एंड लार्जेस्ट डिजिट 99। सो थ्री डिजिट की 100, और लार्जेस्ट 999। एंड फोर डिजिट की 1000, एंड लार्जेस्ट 9999। अब इन्हीं डिजिट के बेस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, तो मैंने आपको क्या बताया कि लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999, और इसका ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ अगर हम इसमें ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल जो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है अगर उसमें मैं 1 प्लस कर देता हूं तो वो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बन जाता है। देखो कैसे, हमारी लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 999, उसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो वो कितना हो गया? 9 + 1 = 10, 1 कैरी आ गया। 9 + 1 = 10, 1 कैरी आ गया। 9 + 1 = 10, तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का बेस फॉर्म देखो, जो मैंने यहां बताया था अभी, 1 stands 100,000, तो इसको नंबर डे में कैसे लिखेंगे? 1000। इसी तरीके से जो हमारी थ्री डिजिट्स की वैल्यू है उनकी न्यूमेरल फॉर्म जो थ्री डिजिट्स की या फोर डिजिट की हमारी सबसे वैल्यू है उसमें अगर मैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर देता हूं तो 1000 में 1 प्लस करूंगा तो क्या होगा? 1001। तो उसको नंबर डे में कैसे लिखेंगे? 1001। इसी तरीके से 1100 या 1100 मैं 1 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1101। और उसको नंबर डे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1101। इसी तरीके से 1999 मैं 1 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? देखो 1999 मैं 1 प्लस कर दिया जाए तो 9 + 1 = 10, 1 वैल्यू आ गई। 9 + 1 = 10, 1 वैल्यू आ गई। 9 + 1 = 10, 1 वैल्यू आ गई। 1 and 1 = 2, तो कितना हो गया? 2000। ओके, इस तरीके से आप किसी भी डिजिट में उसको इंक्रीजिंग फॉर्म कर सकते हैं, बट हमें इन चीजों की जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। इसी तरीके से मैंने अभी आपको फोर तक बताया है, आगे भी इसी तरीके से होगा। जैसे अगर मैं इसी जगह पर कहूँ स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर 10 + 1 0 बन जाएगी, तो यहाँ 1000 था, ये कितना हो जाएगा? देखो 1, 10, 100, 1000 और 10000, जहाँ टेंस का रूप आ जाता है, पर टू डिजिट लेते हैं, तो ये क्या रीड करेंगे इसको? 10000, ठीक है। और इसी को अगर मैं कह दूं लार्जेस्ट की डिजिट कौन सी हमारी फाइव की, तो यहाँ 49 है, तो कितने रैंक हो जाएंगे? 5 रैंक हो जाएंगे। तो इसको भी देखो 1, 10, 100, 1000, 10000। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर 10000 की डिजिट हो जाएगी तो 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ ये 2 डिजिट हो गए, कितना हो गया? 99,999। इसे हम क्या लिखेंगे? 99,999। तो इस तरीके से अभी पहले आपको इन क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, करके दिखाना है, एक्सरसाइज पर मिल जाएंगे। देखो आपको सबसे पहला क्वेश्चन करके दिखाना है कि लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, आपको फोर लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर बताना है मुझे, फिर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बताना है, और ये कुछ मैंने आपको फाइव सम्स दिए हैं, यानी कि 2999 को 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, और उसका आपको ऐसे न्यूमेरल लिख के और फिर नंबर नेम लिख के नंबर नेम की फॉर्म में भी लिखना है। जैसे मैंने लिखा है ना 1000 + 1 = 1001, तो इस तरीके से आप 2999 + 1 फिर कितना हो जाएगा? 3000, तो यहाँ लिखोगे नंबर नेम में 3000। इसी तरीके से बी पॉइंट पर 2000 + 1, सी पर 8999 + 1, डी पर 5000
5999 प्लस 1 एंड e पर 5000 प्लस 1, ये आपको मेरे को एज वैल्यू में सबमिट करना है। अब बताओ कल के और आज के टॉपिक में से अगर आपका कल का टॉपिक भी आज क्लियर है और कल का भी, अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ किसी।